शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार, गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। जो चेयर खाली हुई है वहां भी लोग बैठ सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। क्या सुनने वाले अभी हम, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। कल्प सूत्र को सुनने के लिए सिर्फ आज का दिन नहीं था, 7 दिनों से हम भगवान की वाणी श्री कल्प सूत्र के माध्यम से, हमने पहला पाठ मर्यादा का समझा, दूसरे नंबर पे महामंत्र नवकार का, हमने विज्ञान और विशेष आराधना समझी, और शेष 5 दिनों में भगवान महावीर जी के 5 कल्याणक के बारे में जाना, और आज 8वां दिन कल्प सूत्र का जो विषय है वो कृतज्ञता से संबंधित है। कृतज्ञता किसे कहते हैं? धन्यवाद देना, उपकार मानना। यदि हमारे भीतर में उपकार मानने का भाव जागे तो ना कोई हमारे साथ अन्याय करता हुआ दिखेगा और ना हम कभी किसी के साथ अन्याय कर पाएंगे। इसलिए कल्प सूत्र का आज का पन्ना कृतज्ञता के नाम है। किनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करनी है? उनके लिए नहीं जो आप थैंक यू कर देते हो, वो वाली कृतज्ञता नहीं, सिर्फ परिवार वाली कृतज्ञता नहीं, सिर्फ समाज वाली भी कृतज्ञता नहीं, उन आत्माओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना है जिन्होंने इस जिन वाणी को संभाल के रखा, संजो के रखा, तिजोरी में नहीं संभाला, कहाँ संभाला है? मस्तिष्क के कोष्ठकों में संभाला, जिन्होंने इस जिन वाणी को बिना कलम के, बिना कागज के, बिना स्याही के, बिना प्रिंटिंग प्रेस के, जो भगवान के मुख से वाणी निकली उनको कहाँ संजो के रखा? मस्तिष्क के कोष्ठकों में। उन सारे तीर्थंकर परमात्मा को, गणधरों की आत्मा को, पूर्वाचार्यों को, आचार्यों को और उन सारे गुरुओं के प्रति धन्यवाद का भाव यदि आज के दिन नहीं जागा तो आपका माफ कर, साफ कर 100% सफल नहीं हो पाएगा। तो किसके प्रति कृतज्ञता है? ज्ञान के प्रति, ज्ञानियों के प्रति और ज्ञान के साधनों के प्रति। आप देखिए मोतियों का बना हुआ हार पहनने में क्या मेहनत है? है कोई मेहनत? है मेहनत? सीधा आपने उठाया और पहन लिया, मगर वो मोती जिसने खोजे हैं, वो मोती जिसने संजोए हैं, वो मोती जिसने संभाले हैं, वो मोती जिन्होंने पिरोए हैं, मेहनत किसकी है? उनकी है। ऐसी हमने इन 8 दिनों में जिन वाणी आपने सुनी और हमने सुनाई, इसमें कोई मेहनत नहीं है। मैंने कहती महाराज जी आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, और तब मैं ये सोचती हूँ कि मेहनत हम नहीं कर रहे, मेहनत उनकी देखिए, उनकी मेहनत देखिए जिन्होंने इस वाणी को आज हमारे हाथों तक पहुँचाया है, कैसे कैसे संजो के रखा है। उनके प्रति यदि आज धन्यवाद का भाव अंदर से नहीं जागा तो समझ लेना अगले जन्मों में मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा मगर क्या नहीं मिलेगा? जिन शासन नहीं मिलेगा,
जिन वाणी नहीं मिलेगी, इसलिए आशातना भी यदि हमारी इनसे हो रही हो तो उनके लिए भी ये भाव जगाना, अनुमोदना का भाव जगाना। तो ऐसे भावों से भीग कर यदि आप ये कृतज्ञता वाला पन्ना सुनोगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी कि कैसे भगवान की वाणी आज हम तक पहुंची है। आप सबको बताएं, भगवान महावीर जी के जो प्रमुख शिष्य थे गणधर जिसे हम कहते हैं, कितने थे? 11 गंधर थे। जिन्हें नहीं पता हो तो याद रखे, भगवान महावीर के 11 गंधर थे और भगवान महावीर के रहते रहते ही उनके 9 गंधर कहाँ विराज गए? सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, मोक्ष में चले गए। शेष कितने रहे? 2। क्या नाम थे उनके? गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी। यानी गौतम स्वामी जी का तो उस रात केवल ज्ञान हो गया जिस रात भगवान का क्या हुआ? निर्वाण हो गया। जो राग द्वेष से मुक्त हो गए, केवल ज्ञानी हो गए, वे भगवान के शासन को नहीं संभालते, रह गए कौन? सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर जी के पहले पट्टधर कहलाए, जिन्होंने भगवान की वाणी को, 4 ज्ञान थे उनके पास, कितने ज्ञान? 4 ज्ञान। 4 ज्ञान उनके पास थे और 14 पूर्व का ज्ञान था। पूर्व पता है आपको किसे कहते हैं? यानी अंबारी सहित हाथी जितनी इंक में डूबे उतनी इंक से कोई लिखना शुरू करे। आजकल तो किसी को लिखने की हैबिट होती नहीं, खटाखट आप तो क्या करते हैं, फोन पे टाइप करते हो। यदि लिखना शुरू करो तो एक पेन आपकी 1 साल में भी ख़त्म नहीं होती। यानी कितना इंक लगती है और कितना लिखा जा सकता है, कितना ज़्यादा ज्ञान होगा एक पूर्व का। ऐसे 14 पूर्व का ज्ञान कल्प सूत्र में लिखा है 16,383 अंबारी सहित हाथी जितने इंक में डूबे और कोई उस इंक से लिखना शुरू करे, जिस दिन वो इंक खत्म हो जाएगी उस दिन कितने पूर्व का ज्ञान? 14 पूर्व का ज्ञान लिखा जाए। एक कल्पना तो करके देखो। अब ये इतना सारा ज्ञान सुधर्मा स्वामी जी ने कहाँ अंकित करके रखा है? मस्तिष्क में। कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, आने भगवान की वाणी को मस्तिष्क के अंदर अंकित रखा और वो वाणी उन्होंने अपने शिष्य, कौन से उनके शिष्य? जम्बू स्वामी के बारे में आप जानते होंगे। जम्बू स्वामी उत्कृष्ट वैरागी थे, जम्बू स्वामी उत्कट जिज्ञासु थे, जम्बू स्वामी परम विनित थे। जब हमने शास्त्र के पाठ सुने, कितनी बार आपने सुना एवं खलु जम्बू, कितनी बार आपने सुना कि हे सुधर्मा स्वामी मुझे ये बताओ कि भगवान ने इस अध्ययन में, इस वर्ग में क्या कहा। यानी इतने विनित होकर के जम्बू स्वामी ने ज्ञान लिया है, उत्कट उनकी जिज्ञासा है। और कल्प सूत्र कहता है जम्बू स्वामी का वैराग्य उत्कृष्ट कहलाया। जिस जम्बू स्वामी के साथ कितने लोगों ने दीक्षा ली थी? यानी जम्बू स्वामी को मिला करके 527 लोगों ने दीक्षा ली है और वो दीक्षा 16 वर्ष की उम्र में उस जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी जी से ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत ले लिया था। घर वालों को पता नहीं है, घर वालों ने 8 कन्याओं के साथ उनका वागदान यानी सगाई कर दी थी और शादी तो करनी ही पड़नी थी। शादी हो गई है, पहली रात्रि है, खूब दहेज आया है और उस राजगृही नगरी में प्रभव नाम का डाकू चोर है जो 500 चोरों के साथ चोरी करने के लिए उस जम्बू कुमार के महल में आ गया। जम्बू कुमार रात्रि में अपनी 8 पत्नियों को समझा रहे हैं कि जो हमें मिला है वो सब अनित्य है, वो सब असार है, वो सब
क्षणिक हैं। तुम क्षणिक का बोध जगाओ और नित्य का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ। और वो वाणी जो 500 चोर और जो प्रभव उनका हेड है वो भी सुन रहे हैं। सुनते सुनते वाणी उनके भी कानों को अच्छी लगती, मगर उनका ध्यान किसमें है? चोरी करने के लिए है। सब चोरों ने अपनी अपनी गठरियां तैयार कर दी, सिर पे रख दी, अब दौड़ने के लिए ही थे कि कहते वो रात्रि, वो शुभ वाइब्रेशन, वो लेशा, वो भावनाओं का प्रभाव ऐसा था कि 500 चोरों के और प्रभाव के पैर ही वहाँ क्या हो गए, स्तंभित हो गए, कोई जा नहीं पाए। सबको धर्म का बोध हुआ। वो 8 कुमारियाँ भी जिनकी शादी हुई है जम्बू कुमार के साथ, वो भी दीक्षा लेने को तैयार हुई और उन सबके माता पिता ने भी दीक्षा ली। 527 लोगों ने जम्बू कुमार के साथ दीक्षा ली और वो जम्बू स्वामी भगवान महावीर जी के दूसरे पट्टधर कहलाए। पहले कौन थे? दूसरे हैं जम्बू स्वामी। सुधर्मा स्वामी जी को भी अंतिम समय में केवल ज्ञान हुआ और वे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। जम्बू स्वामी को भी केवल ज्ञान हुआ और वो भी 5वें आर्य में क्या गए? मोक्ष गए। मगर जन्मे कब थे? 4थे आर्य में, इसलिए 5वें आर्य में मोक्ष गए। जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने के बाद में कहते हैं तब तक वीर निर्वाण, वीर निर्वाण में क्या समझोगे? भगवान महावीर के मोक्ष गए जितने साल हुए, तब साल हुए थे 64। वीर निर्वाण संवत 64 में जम्बू स्वामी का निर्वाण हुआ और उसके बाद कल्प सूत्र कहते हैं 10 बातों का निषेध हो गया, विच्छेद हो गया, खत्म नहीं हुई है। वो क्या हुआ? विच्छेद हुआ है। उसमें मोक्ष भी है, केवल ज्ञान भी है, परम अवधि ज्ञान भी है, मन पर्याय ज्ञान भी है, मोक्ष भी है, आहारक शरीर है, कुलाक लब्धि है, जिन कल्प है, उपशम श्रेणी है, शपक श्रेणी है और यथाख्यात चारित्र, ऐसे 10 बातों का विच्छेद हो गया। मगर एक बात का विच्छेद नहीं हुआ, पकड़ा आपने? कौन सी बात का नहीं हुआ? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का विच्छेद नहीं हुआ। आत्मदृष्टि इस आर्य में भी खुल सकती है, मोक्ष मार्ग मिल सकता है, मोक्ष का पासपोर्ट मिल सकता है। मोक्ष नहीं मिलता उसकी चिंता मत करिए। यदि आपको आत्मदृष्टि खुल जाए तो आज का महापर्व समत्सरी धन्य हो जाए। जम्बू स्वामी के साथ ही प्रभव स्वामी, और ये प्रभव स्वामी जो थे ये भले ही चोर के रूप में आए थे, डाकू बन के आए थे, मगर ये राज नरेश के बेटे थे और उनके भीतर में वैराग्य जागा तो उन्होंने भी दीक्षा अंगीकार कर ली है। और कहते तीसरे पट्टधर भगवान के कौन कहलाए? प्रभव स्वामी। नाम तो लीजिए ताकि हम इस दिन अपनी जबान को तो पवित्र करें। जिन लोगों ने इतनी वाणी की सुरक्षा करी, तीसरे पट्टधर प्रभव स्वामी उनके पास भी 14 पूर्व का ज्ञान है। कम ज्ञान नहीं, अभी हमने हिसाब लगाया, कम ज्ञान नहीं है, 14 पूर्व का सारा मस्तिष्क के कोष्ठकों में है। और वो प्रभव स्वामी विचार कर रहे हैं एक दिन सुबह की जागरणा में कि मेरे बाद ये जिन शासन कौन संभालेगा? जिन शासन संभालना यानी भगवान की वाणी को संभालना, भगवान की वाणी संभली रहेगी तो भगवान का शासन चलेगा, भगवान की वाणी होगी तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका का तीर्थ चलता रहेगा। और ये 21,000 वर्ष तक भगवान का शासन चलना है, मगर उन्हें कोई ऐसा योग्य दिखाई नहीं देता कि जो इस जिन शासन को क्या करे, संभाले। तब उन्होंने अपनी ध्यान साधना के अंतर्गत उपयोग लगा के देखा
कि एक ब्राह्मण है, राजगृही नगरी में है, स्वयंभव उसका नाम है, यज्ञ कर रहा है, अपनी पत्नी के कुक्षी में जो बालक पलता है उसके उपलक्ष में यज्ञ कर रहा है। यदि वो आत्मा जाग जाए, उसकी आत्मदृष्टि खुल जाए, तो ये भगवान की वाणी को संभाल सकता है। आसान काम नहीं है, 32 शास्त्र हमसे नहीं संभले जाते, 14 पूर्व का ज्ञान कहाँ संभालना है, मस्तिष्क के कोष्ठकों में संभालना है, इस बुद्धि के अंदर में स्मरण शक्ति में रखना है। और प्रभव स्वामी ने अपने दो शिष्यों को तैयार किया कि आज सुबह तुम जाओगे जहाँ स्वयंभव ब्राह्मण क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, वहाँ जाकर के तुम एक बात कहना, क्योंकि ये ब्राह्मण क्रिया कांड तो करते हैं मगर तत्व की बात नहीं जानते। किसे कहते तत्व? आत्मा। आत्मा का नाम तत्व है, शुद्ध आत्मा का नाम तत्व है। यदि ये आत्मा को जान ले तो इनके जीवन का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। दो शिष्य गए हैं, यज्ञ मंडप के बाहर खड़े हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं कि अहो कष्टम, अहो कष्टम, पुनः तत्वम न ज्ञायते। अरे ब्राह्मणों, तुम इतना कष्ट झेल रहे हो, इतना क्रियाकांड कर रहे हो, मगर तुम तत्व को नहीं जानते, तुम आत्मा को नहीं जानते। अब आपको पता है, कोई ऐसा कहे किसी को कि तुम इस बात को नहीं जानते, तो बुरा लगेगा कि अच्छा? बुरा लगता है कि हम जो जान रहे हैं वो तुम नहीं जानते हो। सभी ब्राह्मणों को बड़ा बुरा लगा, मगर स्वयंभव को लगा कि ये जो श्रमण होते हैं वो कभी भी असत्य भाषण नहीं करते, वे कभी भी यज्ञ मंडप में आहार लेने के लिए भी नहीं आते, ये जरूर किसी पर्पस से आए हैं। क्या ये बोलते हैं वो सुनना चाहिए? और उन्होंने जब ये सुना कि मैं तत्व को नहीं जानता, तो उन्होंने जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण उनसे जाके पूछा कि बताओ तत्व क्या है, और उन्होंने बताया जो वेद होते हैं वही तत्व होता है, जो वेदों में लिखा होता है यज्ञ करना, यज्ञ करना वही तत्व होता है। मगर स्वयंभव ब्राह्मण के भीतर जिज्ञासा जागी, भावना जागी, और उनको लगा कि इनको तत्व नहीं मालूम। यज्ञ छोड़ करके स्वयंभव ब्राह्मण प्रभव स्वामी के पास चले गए, आत्मा की बात सुनी, तत्व की बात सुनी, आत्मदृष्टि को खोला, और वो 14 पूर्वधारी जो वो प्रभव स्वामी थे, वो सारा की सारा ज्ञान किसने ग्रहण कर लिया? स्वयंभव स्वामी ने, यानी भगवान के चौथे पट्टधर कौन हुए? स्वयंभव स्वामी। स्वयंभव स्वामी जो थे वो अपनी उस जीवन के अंदर इतना कार्य कर गए। कहते हैं जब उन्होंने तो यज्ञ मंडप से आ गए, मगर बाद में जो पुत्र रत्न पैदा हुआ, उस पुत्र ने जब ये जाना कि मेरे पिताश्री इस तरह से दीक्षित हैं, तो उनको ढूंढते हुए वो भी आ गया, और उसने भी अपने पिताश्री के चरणों में दीक्षा ली। स्वयंभव स्वामी ने देखा 6 महीने की ही इसकी उम्र शेष है, 14 पूर्व में से जो जो सार निकाल सकते थे वो सार निकाल करके श्री दशवय कालिक सूत्र की रचना उस दिन हुई, और उस मनक मुनि ने उसकी आराधना करके अपने जीवन का कल्याण किया। भगवान की इस वाणी को संभालने वाले 5वें पट्टधर आए, जिनका नाम था यशोभद्र। यशोभद्र आचार्य ऐसी वाक कला वाले थे कि ऐसी प्रतिभा थी उनकी कि जो उनका एक बार वाणी सुनता था उनके पास क्या होता? दीक्षित। हजारों ब्राह्मणों को आत्मा की बात सुना करके भगवान की इस वाणी के साथ जोड़ना ये कम जिन शासन की प्रभावना नहीं थी। और कहते हैं ये जो आचार्य यशोभद्र थे, इनके 2 शिष्य थे जिनका नाम था संबुति विजय और भद्रबाहु।
दोनों एक साथ इतने प्रतिभावान हैं, इतने एक जैसे ज्ञान संपन्न हैं, दोनों ने उनसे 14 पूर्व का ज्ञान ले लिया है और अब यशोभद्र के सामने, आचार्य यशोभद्र के सामने समस्या है कि वो किसको पाठ पे विराजेंगे। और वे क्रांतिकारी थे, उन्होंने घोषणा एक साथ दोनों की और ये बताया कि इस भगवान की वाणी को संभालना मेरे बाद छठे पट्टदर होंगे संभुति विजय और सातवें कौन होंगे भद्रबाहु। याद रखिए इन सात पट्टदर तक भगवान की वाणी 14 पूर्व में क्या रही, सुरक्षित रही। कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, इतना सारा की सारा ज्ञान कहाँ सुरक्षित है। और आज हम कहते हैं कि हमें तो कुछ भी याद नहीं रहता। परावर्तना जब हम कराते, अभी आपको 2 मिनट भी नहीं हुए होते सुन करके और आप इतनी देर में क्या होते, भूल जाते। इसीलिए इन्हें याद करना, इसीलिए इनकी कृतज्ञता ज्ञापित करना, इसीलिए आज के दिन उस जिनवाणी की महिमा लाना कि जो जिनवाणी हम सुनते हैं वो कैसे संजो करके आई। और कहते भद्रबाहु अंतिम 14 पूर्वधारी हुए, वीर निर्वाण संवत 160 आ गया, यानी भगवान के मोक्ष जाने को कितने साल पूरे हो गए, 160। और उसके बाद कहते हैं 12 वर्ष का दुष्काल पड़ा। दुष्काल पड़ने से क्या होता है, अकाल पड़ा, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, साधु संतों को भी आहार पानी नहीं मिलता, तो बुद्धियाँ उनकी क्या होने लगी, क्षीण होने लगी। यानी वो 14 पूर्व का ज्ञान संभालना लोगों को मुश्किल लगा, एकमात्र भद्रबाहु के पास ही क्या रहा है, 14 पूर्व का ज्ञान रहा। जब अकाल पड़ा वो नेपाल में चले गए, गुफाओं में रहने लगे, महाप्राण ध्यान साधना करते हैं जिसमें आहार पानी की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और भगवान की वाणी को 14 पूर्व को उन्होंने उस अकाल में भी क्या रखा, संभाल के रखा। मगर अब आगे किसको दे, आगे ये जिन शासन कौन संभालेगा। तो कहते स्थूली भद्र थे और भी संत थे, अकाल पूरा हुआ, निर्णय लिया गया 500 साधुओं को नेपाल की तरफ भेजा जाए, कहाँ जाए, आचार्य भद्रबाहु के चरणों में, और उनसे कितने पूर्व का ज्ञान ले ले, कितने पूर्व का, 14 पूर्व का। और कहते 500 साधु चल पड़े, मगर पहुँचा एक ही, पहुँचा एक ही, वो थे आचार्य स्थूल भद्र जो बनेंगे आगे पट्टधर। स्थूल भद्र मुनि पहुँचे, उन्होंने भद्रबाहु स्वामी से ज्ञान लेना शुरू किया, 1, 2, 9, 10 पूर्व का ज्ञान आ गया, और अब मात्र कितने पूर्व का रह गया, 4 पूर्व का। मगर ये क्षयोपशम ज्ञान जब अपने पास बढ़ता जाए और यदि अहंकार भी आ जाए तो फिर ये आगे की पात्रता समाप्त कर देता है। और ऐसा प्रसंग घटित हुआ, स्थूल भद्र मुनि की 7 बहनों ने दीक्षा ले रखी थी, यक्षा यक्षिणी आदि इनका नाम था, वे भी इतनी प्राज्ञ थी, बुद्धिमान थी। पहली बहन को एक बार सुन के याद होता, दूसरी को 2 बार, तीसरी को 3 बार, उनके भीतर इतना भाव जागा अपने भाई महाराज के लिए कि देखो 10 पूर्व का ज्ञान इन्होंने ले लिया, अब 4 ही पूर्व शेष हैं, हम इनके वंदन करने के लिए जाते हैं। 7 बहनें वहाँ पहुँची हैं, भद्रबाहु से पूछती हैं, उन्होंने स्थूली भद्र की गुफा की तरफ इशारा किया, स्थूली भद्र मुनि को पता लगा, थोड़ा सा अंदर में कुतूहल जागा क्योंकि अहंकार की चिंगारी थी, उन्होंने सोचा बहनों को बता दूं कि मैंने कितना ज्ञान लिया है। किसका रूप बना के बैठ गए, शेर का रूप बना के बैठ गए। वो 7 साध्वी बहनें आई और चली गई, भद्रबाहु को पता लगा और भद्रबाहु बहुत दुखी हुए। क्यों दुखी हुए,
कि अब इन्हें ज्ञान का अजीर्ण हो गया है, अब इसे आगे का ज्ञान डाइजेस्ट नहीं होगा, अब ये ज्ञान इसका क्षयोपशम ज्ञान की तरंग जो है अब आगे नहीं बढ़ सकेगी। और कहते स्थूली भद्र ने सिर्फ कितने पूर्व का ज्ञान लिया, 10 पूर्व का यानी 14 पूर्व का ज्ञान वीर निर्वाण संवत 160 तक रहा, उसके बाद अब क्या शुरू होगा। 10 पूर्व का ज्ञान शुरू हुआ, 4 पूर्व का ज्ञान खत्म हो गया। देखिए ये ज्ञान की गंगा कहाँ से चलती है और चलते चलते कितना ज्ञान कम कम होता जा रहा, और आज जितना ज्ञान हमारे पास है शास्त्रों में जिन वाणी है वो भी सुनने की किसी के पास, आप बोलिए ना, अब ये तो मैं कैसे बोलूं। प्रवचन में आने के लिए कितने न्योते देने पड़ते, महापर्व संवत्सरी के लिए कितनी प्रेरणा देनी पड़ती, जिन वाणी सुनने के लिए कितने भाव जगाने पड़ते हैं, कभी ये धन्यवाद ही नहीं जागता कि हम कितने धन्यभागी हैं कि भगवान की वाणी इस पंचम आर्य में इन इन आत्माओं ने संजो के रखी, मस्तिष्क में संजो के रखी। और स्थूली भद्र ने कहते 8वें पट्टधर हुए वे भगवान के आचार्य स्थूली भद्र ने एक अच्छा काम किया, एक आगम वाचना बुलवाई। आगम वाचना यानी जितने साधु संत थे, साध्वियां थी, उन सबको इकट्ठा किया गया, जिसे आप सम्मेलन बोलते हो उसे शास्त्र में आगम वाचना बोलते हैं। आगम वाचना कराई कि जिसको जितना जितना याद है सब यहाँ दोहराए, नहीं दोहराएंगे तो ज्ञान क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और वो पहली आगम वाचना कल्प सूत्र के अनुसार वीर निर्माण संवत 160-170 के बीच में हुई, और सारे 10 पूर्वों का ज्ञान व्यवस्थित कराया गया, पाटलिपुत्र में ये घटना घटी। और कहते अब भगवान का ये जिनवाणी 10 पूर्व तक चलेगी, और 11 आचार्य इन बिटवीन हुए, स्थूली भद्र पहले हुए 10 पूर्वधारी, और इसी तरह से आगे और 10 आचार्य हुए, यानी पहले 14 पूर्वधारी 7 थे और ये 11 मिला के 18 हो गए। अंतिम 10 पूर्वधारी जो थे वो आचार्य वज्र स्वामी थे। इनके लिए कल्पसूत्र में लिखा है, हैरान होंगे आप ये सुन करके, जो आज आप टीवी आदि में देखते हो, आज के कौटिल्य पुत्र आदि देखते हो, वैसा नमूना आपको इस समय देखने को मिलेगा। आचार्य वज्र स्वामी जब उनका जन्म हुआ तो कहते उनके पिताश्री पहले ही दीक्षा ले चुके थे, बाद में उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ अभी पलने के अंदर ही उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, उन्हें याद आ जाता है अपना पिछला जन्म, मगर अभी बोल नहीं सकते, अभी कोई बात बता नहीं सकते। तब कहते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, बोल नहीं सकते, निरंतर रोते हैं, माँ परेशान होती है, संयोग ऐसा घटित होता है कि उनके जो पिता मुनि हैं वही आहार लेने के लिए आते हैं, और वो माँ तंग होकर के उनके पात्र में किसको डाल देती है, उस वज्र मुनि को, स्वामी को डाल देती हैं, उसे लेकर के ही वे आ जाते हैं। और वो 3 वर्ष का वो बालक जब होता है तब उसे कल्पसूत्र में लिखा है उसे सारा ज्ञान कंठस्थ होने लगा, यानी पूर्व जन्म में की तैयारियां होती है, क्षयोपशम ज्ञान होते हैं, 11 अंग उसे कंठस्थ हो गए 3 वर्ष की उम्र में। यानी कोई आश्चर्य नहीं कि आज यदि आपको कोई ऐसे शख्स मिलते, छोटे छोटे बच्चे जो कितना कुछ आपको गीता सुना देते हैं, महाभारत सुना देते हैं, तो ये क्षयोपशम ज्ञान है। अंतिम 10 पूर्वधारी कौन हुए, वज्र स्वामी। 18 तक के आचार्य पाठ परंपरा चल पड़ी, अब फिर से कहते हैं 12 वर्ष का अकाल पड़ा, वीर निर्वाण संवत 584 आ गया, यानी भगवान को मोक्ष गए कितने साल हो गए, तब तक 584 साल दोबारा अकाल पड़ा। पहले कब पड़ा था,
वीर निर्वाण संवत 160 में। फिर से दोबारा भयंकर अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, लोगों को खाने को नहीं मिलता, बुद्धियां स्मरण शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। और तब कहते हैं क्या हुआ है कि ज्ञान घटने लगा, स्मृतियां क्षीण होने लगी। लिखने की व्यवस्था तो थी नहीं, किताबें संभालने की व्यवस्था तो थी नहीं, जो ज्ञान क्या रहे संभला रहे, कहाँ संभालना है। श्रुत परंपरा, इसे क्या कहते हैं, श्रुत परंपरा, सुन सुन के ज्ञान को क्या रखना है, याद रखना है। और इस तरह से ज्ञान घटता चला गया, 12वें पट्टधर से लेकर के जब तक 27वें पट्टधर आए। और कहते हैं इन 9 आचार्य के बीच में घटता घटता 14 पूर्व का ज्ञान जब 27वें पट्टधर आए भगवान के, वीर निर्वाण संवत 980 आया। और ज्ञान घटते घटते सिर्फ और सिर्फ रह गया कितना, क्योंकि ये कोष्ठकों में कितनी देर सुरक्षित रहेगा ज्ञान, 980 वर्ष भगवान के निर्वाण को हो गए। आज कितने हुए पता है आपको, आपको सन पता है, आपको संवत पता है, आपको वीर निर्वाण नहीं पता है ना, कितने साल हो गए भगवान के निर्वाण को। इस दीपावली पे 2550 साल पूरे होने वाले हैं, 2550वां निर्वाण संवत आने वाला है। और तब की बात हम कर रहे हैं जब 980 भगवान के निर्वाण को 980 साल हुए, और तब 27वें पट्टधर जिनका नाम था देवर्धि गणी क्षमाश्रमन, बोल के तो देखो, इन्होंने एक पूर्व के ज्ञान को अपने मस्तिष्क के अंदर संभाल के संजो करके रखा। और ये जो इनका ज्ञान था वो उनको एक दिन ऐसा लगा कि अब मेरी मेमोरी पे मेरा भरोसा नहीं रहा, सुबह जो मैं कोई चीज लेके आया था कि ये मैं वापस करूँगा, सर्दी जुकाम हो रहा था, किसी के घर से सौंठ का टुकड़ा लाए थे, सूर्यास्त से पहले उसे देने जाना था, और वो याद रहे इसके लिए कान के ऊपर लगा के रखा था, मगर जब प्रतिक्रमण के लिए वंदन करने लगे, झुकने लगे, तो वो सौंठ का टुकड़ा नीचे गिरा, बड़ा दुख हुआ। सौंठ का टुकड़ा गिरने से दुख नहीं हुआ, किससे दुख हुआ, स्मरण शक्ति से दुख हुआ कि मेरे पास आज भगवान की वाणी एक पूर्व के रूप में सुरक्षित है, मगर आज मुझे अपनी मेमोरी पे भरोसा नहीं रहा, सुबह की बात मुझे शाम तक याद नहीं रही, ये जिनवानी आगे कैसे चलेगी, भगवान का शासन आगे कैसे चलेगा, भगवान की वाणी कैसे सुरक्षित रहेगी। ऐसा कोई विचार हमें तो कभी आता ही नहीं, आता है आपको कि यदि हम ये भगवान की वाणी नहीं सुनेंगे, क्योंकि सुनना भी क्या है, सुरक्षित रखना, आप सुनोगे जीवन में लाओगे वो जो प्रभावना होगी उससे भी आगे भगवान की वाणी सुरक्षित रहती है। और कहते तब तीसरा सम्मेलन बुलाया गया, क्योंकि दूसरा सम्मेलन तब हुआ था जब ये 12 वर्ष का अकाल पड़ा, तब दूसरा सम्मेलन हुआ, तो आगम को 4 भागों में बांट दिया था ताकि याद रखने में सुविधा रहे, 4 अनुयोग में बांट दिया, द्रव्यानुयोग को अलग कर दिया, तत्व की जितनी बातें हैं कोई एक जना याद रख ले, गणित की जितनी बातें हैं कोई दूसरा याद रख ले, चारित्र की जितनी बातें हैं कोई तीसरा याद रख ले, और धर्म कथा संबंधित जितनी बातें हैं कोई याद रख ले, ताकि भगवान की वाणी क्या रहे, सुरक्षित रहे। और तीसरे सम्मेलन में जो वीर निर्वाण संवत 980 में आचार्य देवर्धि गणी क्षमाश्रमन के चरणों में हुआ, उस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि अब भगवान की वाणी मस्तिष्क के अंदर टिकने वाली नहीं है, अब इसे क्या करना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, मगर लिखने के लिए कागज तो हो, लिखने के लिए कलम तो हो, लिखने के लिए स्याही तो हो, नहीं था कुछ भी, कुछ भी नहीं था। और निर्णय लिया गया लिखेंगे, किस पे लिखेंगे, सूखे पत्तों पे, ताड़ पत्तों पे लिखने का निर्णय किया गया। उन सूखे पत्तों को इकट्ठा किया जाता था,
कांटे लेकर के उनके ऊपर लिखा जाता है। सोच के देखो, थोड़ा महसूस करके देखो, जिन वाणी के प्रति आपको गरिमा आए बिना, महिमा आए बिना, भाव आए बिना नहीं रहेंगे। और आज तक अगर जिन वाणी की, भगवान की वाणी की हमने आशातना की होगी, तो उस आशातना के लिए मिच्छा में दुकड़म आए बिना नहीं रहेगा। और कहते हैं कैसे लिख रहे होंगे, एक एक शब्द भी नहीं आ पाता था कहाँ पे, एक पत्ते पे लिखने जाते तो वो पत्ते टूट जाते थे। जो पत्ते लिखे हुए होते थे उनको संभाल के रखो, उनको संभाल के रखो तो कहाँ रखो, पेड़ के नीचे रखते थे। मगर आंधी तूफान आ गया, बरसात आ गई, सारी मेहनत, ये कोई मेहनत है जो आज हम कर रहे हैं, ये कोई मेहनत नहीं, वो मेहनत है। जैसे उन्होंने भगवान की वाणी को संजो के रखा और लोगों ने देखा इन साधु संतों की मेहनत बेकार जा रही है, कोई ऐसे लोग सामने आए, तेजपाल और वस्तुपाल जिनके नाम थे, और उन्होंने ये प्रण लिया कि 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लगा करके ये जिन वाणी जो ताड़ पत्रों पे, पत्तों पे लिखी गई है, उसको संजोने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या बनवाए, ज्ञान भंडार बनवाए। स्थानक बनाना, मंदिर बनाना, हॉस्पिटल बनाना फिर भी आसान है, मगर ज्ञान के लिए, भगवान की वाणी के लिए, वो वाणी सुरक्षित रखने के लिए दान निकालना, ज्ञान के लिए अहोभाव लाने वाले शुरू से ही विरले लोग रहे हैं। और उस वस्तुपाल तेजपाल ने बड़े बड़े ज्ञान भंडार बनवाए और वहाँ वाणी क्या रहने लगी, सुरक्षित रहने लगी। कितनी मुश्किलों से आज ये जिनवाणी हमारे हाथ में है, क्या अभी भी उनके प्रति उपकार का भाव नहीं जागेगा, धन्यवाद का भाव नहीं जागेगा क्या, कृतज्ञता का भाव नहीं जागेगा? और ऐसे ऐसे व्यक्ति सामने आए जिन्होंने जिन शासन की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा सब करते हैं, शरीर की रक्षा सब करते हैं, अपने समाज की भी रक्षा सब करते हैं, पर भूल जाते हैं ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान के साधनों की कब हम आशातना कर देते हैं पता भी नहीं लग पाता। और कहते जब समय बीतता गया, आगे बढ़ता गया, और जब कागज का आविष्कार हुआ, अभी तक कागज का आविष्कार नहीं था, लिखने वाली कलमें नहीं थी, स्याही नहीं होती थी, और जब कागज कलम स्याही आए, मगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। लिखने की तो सुविधा आ गई, मगर कौन लिखे इतने सारे आगमों को, इतने सारे ज्ञान को? कहते राजा कुमारपाल हुए, उन्होंने 700 लिपिकार बिठाए, लिपिकार यानी लिखने वाले, जो क्या करे, ये प्रतियां तैयार करे, शास्त्र की प्रतियां तैयार करे, जिन वाणी की प्रतियां तैयार करे, ताकि उसका प्रचार हो। कल्पसूत्र में लिखा है राजा कुमारपाल ने 700 प्रतियां आगमों की लिखवाई, स्वर्ण अक्षरों से लिखवाई, ताकि वे क्या रहे, सुरक्षित, कैसे भाव होते होंगे, कैसे ज्ञान के लिए, जिन वाणी के प्रति अहोभाव होते होंगे। ऐसे ऐसे नाम हैं कल्पसूत्र में, आभू सिंघवी करके हुए, जिन्होंने कहते गुजरात के अंदर इतनी जिन शासन की, जिन वाणी की प्रभावना की, इतना ज्ञान दान दिया ताकि ये भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार हो सके। पेथड़ शाह हुए, जब वो आगम सुनते थे, भगवती सूत्र सुनते थे गुरुओं से, आपको पता है भगवती सूत्र में 36,000 प्रश्न किसने पूछे हैं, किसने पूछे हैं? गौतम स्वामी जी ने। गौतम स्वामी जी ने प्रश्न पूछे तो उनका नाम कितनी बार आया, गोयमा, गोयमा नाम 36,000 बार आया। और उस पेथड़ शाह ने ये संकल्प लिया, मैं भगवती सूत्र सुनूंगा, जितनी बार गौतम स्वामी का नाम आता है उतना उतना एक एक स्वर्ण मुद्रा, 1 रुपया, 2 रुपया, 1 करोड़ नहीं, 1 स्वर्ण मुद्रा, यानी 36,000 स्वर्ण मुद्रा किसके लिए निकाली,
जिन शासन की प्रभावना हो, जिन वाणी का प्रचार प्रसार हो, जिन वाणी का लेखन हो, जिन वाणी का श्रवण हो, जिन वाणी का पठन हो, उसकी सुविधा के लिए उन्होंने ऐसा ऐसा ज्ञान दान निकाला। आगे से आगे ऐसे आचार्य हुए, एक आचार्य तो ऐसे हुए जिन्होंने अपने जीवन में 1444 ग्रंथ लिखे। कितने? इसका मतलब आप सुन ही नहीं रहे, जो आपकी आवाज मुझे ना सुने बोल के देखो, नहीं सिर्फ महसूस करके देखो। हमें तो पता है एक किताब लिखने के लिए क्या लगता है, एक किताब लिखना भी आसान नहीं होता। कभी लिख के देखिए, एक किताब लिखना आसान नहीं, उसके लिए कभी 3 साल लगते, कभी 5 साल लगते हैं। चिंतन करना है, लेखन करना है, मनन करना है, आसान काम नहीं होता। 1444 ग्रंथ वो हरिभद्र आचार्य ने कैसे लिखे होंगे? कल्पसूत्र कहता है दोनों हाथों से लिखते थे, दोनों पैरों से लिखते थे। आएगी महिमा? अभी भी नहीं आएगी, हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाए जब भी हम इस बात को सुनते याद करते हैं। कभी लगता है कि प्रमाद आता है अपने अंदर में, तो हम याद करते हैं हमें तो एक ही हाथ से लिखना है, दूसरे हाथ से भी नहीं आता, हमें तो लिखना एक ही हाथ से लिखना है, और फिर प्रमाद करेंगे ये जिनवानी आगे कैसे चलेगी, दो हाथ दो पैरों से लिखना कैसे लिखते होंगे और कितने घंटे लिखते होंगे। लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, प्रकाश नहीं था रात का, मगर ऐसे ऐसे श्रावक गण होते थे कि रात में जहां वो ठहरते रत्नों का प्रकाश करते थे, रत्न वहां लाके रखते थे और वो आचार्य रत्न के प्रकाश में क्या करते थे, शास्त्र लिखते थे, तो जाके ये वाणी हम तक पहुंची। मगर आगे जाके मुश्किल ये हो गई कि भगवान की वाणी कौन सी भाषा में होती है? अर्धमागधी प्राकृत भाषा में होती है। लोग संजो के तो रखते हैं, पढ़ना तो चाहते पर मीनिंग समझ में नहीं आते। आचार्य हेमचंद्र हुए और उन्होंने कहते हैं प्राकृत व्याकरण लिखा जो आज भी उपलब्ध है, सब साधु साध्वी पढ़ के तभी तो ये आगम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं व्याकरण के अनुसार, और वो व्याकरण समझाया गया। मगर आगे आगे लोगों के पास प्राकृत पढ़ने का भी फुर्सत नहीं है। पढ़ ले तो विद्वान बन जाएंगे मगर आत्मार्थ में लगने की फुर्सत नहीं है, और इसलिए आगे आगे के आचार्य ऐसे आए जिन्होंने जिन वाणी की सुरक्षा के लिए इस प्राकृत भाषा में लिखे गए आगमों को हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू किया। मगर बहुत विरोध हुआ। क्यों होता है विरोध? लोग कहने लगे भगवान की वाणी जिस भाषा में है उसी भाषा में रहने दो, इसको क्यों ट्रांसलेट करते हो, इसको क्यों हिंदी में करते हो? मगर आपको पता है सबसे पहली बार प्राकृत भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ आगमों का कौन से आचार्य के द्वारा? नहीं पता है। पता है कौन से आचार्य के द्वारा हुआ है? वो आचार्य थे अमोलक ऋषि जी महाराज, जिनका जैन तत्व प्रकाश आप पढ़ते हो। अमोलक ऋषि जी महाराज के जीवन में ऐसा कुछ विचार उनको जागा कि मेरे जाने के बाद आगे आगम कोई पढ़ेगा नहीं, ये प्राकृत किसी को आता नहीं, सब लोग हाथ में लेंगे छोड़ देंगे या अन्यथा इसका अर्थ कर लेंगे, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा में पहली बार लिखने का प्रारंभ किया। तो समाज वालों ने विरोध किया, संघ ने विरोध किया, मगर वो विरोध से नहीं डरे। क्रांति जब करनी है तो पहली बार विरोध होता है। यहाँ तक विरोध हुआ कहा जाता है, इतिहास में लिखा है, यहाँ तक विरोध हुआ कि समाजों ने उन्हें स्थानक में ठहरने से क्या कर दिया, मना कर दिया। हैदराबाद में एक श्रावक हुए हैं ज्वाला प्रसाद जिनका नाम था, और उन्होंने अपनी कोठी में ऊपर के मंजिल पर 14 साल तक किसको ठहराया?
आचार्य मूलक ऋषि जी को, जिन्होंने 32 आगमों का पूरा ट्रांसलेशन किसमें किया, हिंदी में किया, और अंत में जैन तत्व प्रकाश की वो स्थापना करी ताकि सब लोगों को पढ़ने को मिले और आगम की बात सबको समझ में आए। आगे हमारे श्रमण संघ के प्रथम पट्टधर आचार्य आत्माराम जी महाराज ने भी बहुत आगमों के अंदर हिंदी के लिए काम किया। आज जो ये आगम हमारे हाथ में जो हम पढ़ रहे थे अंतगढ़ और कल्पसूत्र, वो आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज का उस समय की वो प्रति लिखी गई है। यानी इस तरह से ये आगम, ये जिन वाणी, ये भगवान की वाणी हम तक पहुंची है, और हम एक पल नहीं लगाते बोलने के लिए। हमारे पास समय तो नहीं, सो नहीं, भाव भी नहीं है, ये दुख की बात लगती है। समय नहीं है वो कोई मजबूरी हो सकती, मगर भाव भी नहीं है, और वो भाव भी नहीं है, कृतज्ञता का भाव भी नहीं है। तो कम से कम आज महापर्व संवत्सरी पर कल्प सूत्र का ये कृतज्ञता वाला पन्ना पढ़ के उन सारे गणधरों के प्रति, पूर्वाचार्यों के प्रति, आचार्यों के प्रति, गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव जगाए, जिनकी वजह से ये आगम, ये शास्त्र, ये वाणी, ये वचन हमें सुनने को मिलते हैं। और सारे आगमों का सार यदि देखा जाए तो एक ही है, एक ही सार है। जितने भी आगम आप सुन लोगे एक ही सार है। आगम में से ही अध्यात्म निकलता है, आगम का सार अध्यात्म है, अध्यात्म का सार है मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बोल के देखिए, यदि आपको आगम सुनने का समय नहीं, अध्यात्म निकालने का समय नहीं, तो जिन्होंने मक्खन निकाल के अपने को दे दिया कि तू सिर्फ इतना भी सार मान ले, मैं आत्मा सिद्ध भगवान जैसा ही क्या हूँ, शुद्ध स्वरूपी हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अगर ये भाव भी अपने भीतर में संजोगे तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ से आत्मदृष्टि जागेगी, आत्मा के साथ अपनापन होगा, आत्मा के साथ अपनापन होगा तो सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक दर्शन होगा तो एक दिन केवल ज्ञान मिलेगा, एक दिन केवल ज्ञान होगा तो सबका निर्वाण होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। इसी भावना के साथ कल्प सूत्र का समापन करेंगे, इस जिन वाणी के गुणगान के साथ करेंगे। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा के बाद वाकई में आपके भीतर